77 में ज़िया मार्शाला लग गया। इंटीरियर सिंध में, कराची में तो 84 में स्टूडेंट यूनियंस बैन हुई हैं, इंटीरियर सिंध में 78 से बैन है, ठीक है। ये मैंने अभी ये जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट इस वक्त जो रेस्टोरेशन की, स्टूडेंट यूनियन के रेस्टोरेशन की जो है वो कंपेन चला रहे हैं, उनसे भी मैंने कहा, मैंने कहा यार तुम लोग वो तो उससे 78 के बाद वहाँ इलेक्शन ही नहीं हुए। 78 का लास्ट इलेक्शन था जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हुआ, आप उसको भी तो हाईलाइट करें ना। मैं तो हम जो है वो पूरा जो जो हमने जो है वो ड्रीम था हमारा कि भी वोट देंगे और जो है वो नारे लगाएंगे, वो पूरे का ख़त्म हो गया। भुट्टो अरेस्ट हुआ, इनिशियली तो पीपल्स पार्टी और पीएनए दोनों के लिए लीडरशिप अरेस्ट हुई थी, उसके बाद जो है वो फील हुआ और प्रैक्टिकली हुआ भी कि पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सपरेशन हुआ, भुट्टो को मर्डर केस में भी इन्वॉल्व किया, हैंग हो गया। 78 में जब लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को डेथ पेनल्टी दी थी तो हमारे हाई स्कूल से एक जुलूस निकला, उस जुलूस में हम भी जब शामिल हो गए, कोई पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं था, लेकिन जो है वो एक तो वो सिंधी भुट्टो फैमिली ये वो, और दूसरा ये कि हाई स्कूल में आप मैट्रिक में पढ़ रहे हो तो आपको ये एक तरह से शुगर लगता है ना कि जी नारे लग रहे हैं जो है वो, और सीनियर्स हमारे सीनियर्स तो वो थी स्कूल के, तो हम फाइनल ईयर वाले थे, लेकिन साथ में जो कॉलेज था उसके सीनियर्स ने बताया कि आगे पुलिस खड़ी है वो रोकेगी तो पत्थर फेंकने, ये वो सारा, तो एक तरह से एक्साइटमेंट में हम वो चल पड़े, हमें पुलिस ने पकड़ लिया और ले गए पुलिस स्टेशन, बंद कर दिया। कोई मेरा ख्याल है कि 30-32 हम स्टूडेंट्स थे, उनको उन्होंने पकड़ के बंद कर दिया। दूसरे दिन एक सिविल मैजिस्ट्रेट आया, सिविलियन मैजिस्ट्रेट, उन्होंने कहा जी माफ़ीनामा लिख के दो फिर घर जाओ। पता नहीं क्या हुआ, माफ़ी क्यों मांगी हम, ठीक है, शायद उस एज में होता है जो है वो आप हीरो बनते हैं। सो बहरहाल जो है वो जिन स्टूडेंट्स ने माफ़ीनामा वो साइन करके दिया उनको, वो उनको रिलीज़ कर दिया। कोई हम जो है वो 11 या 12 स्टूडेंट्स थे, हमें उन्होंने हैदराबाद सेंट्रल जेल भेज दिया।